कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां लक्ष्मी का इस समय पूरा परिवार ही ऋषि के बेटे रोहन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है, और यहां पर ऋषि का बेटा रोहन बोलता हुआ नजर आ रहा है लक्ष्मी से कि मुझे आप में अपनी मां नजर आती है, और ये हकीकत है कि मुझे ना जाने क्यों आप सब मेरे अपने ही लगते हो, मुझे पार्वती अपनी बहन लगती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय रोहन का जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हुआ नज़र आ रहा है। लक्ष्मी को बार बार ऋषि की याद दिलाता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे कि इस बच्चे में ना जाने क्यों ऋषि की झलक मार रही है। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी एक ऐसी शख्सियत है कि जो हर बच्चे का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन रोहन का जिस तरीक़े से वो ख्याल रख रही है, इसमें सालू भी बहुत ज़्यादा अफसोस करती हुई नज़र आ रही कि दी इस समय कुछ इस बच्चे से ज़्यादा ही लगाव मान रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें लगाव मानने की ये रीज़न और भी है दोस्तों, क्योंकि वो शहर से आया है वो बच्चा, और स्पेशल गाँव के इस स्कूल के लिए, और यहाँ पर साफ साफ लक्ष्मी ने बोला है कि हम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमें कोई भी किसी भी तरीक़ा से दिक्कत नहीं रखेंगे, और ना ही कोई शिकायत का मौका आएगा कि बच्चे का मन नहीं लग रहा इस तरीके से। हालांकि दोस्तों इस समय ऋषि ने अपनी पूर्ण फैमिली को समझा दिया है कि जिस तरीक़े से वहाँ की टीचर ध्यान रखती है, ऐसा ध्यान तो कोई भी नहीं रख सकता, बल्कि वो एक माँ की तरह ही एक बच्चे का ध्यान रखती है। और आप लोग जानते हैं कि रोहन का जिस तरीक़े से पूरा ख्याल रखा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीक़े से देखा जा सकता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय रोहन पार्वती के साथ में बहुत अच्छी तरीक़ा से खेल रहा है, क्योंकि दोनों बहन भाई बेहद ही अच्छी तरीक़ा से खेलते भी हैं और सभी लोगों को काफ़ी अच्छे भी लगते हैं दोस्तों। ये एक सच्चाई है इस समय की। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।